गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहां से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इस फैसले को लेकर शहर में सभी लोग काफी खुश नजर आए। वहीं भाजपा की युवा मोर्चा ने ऐसे ऐतिहासिक फैसला मांग कर उत्साहित होकर महामाया चौक में तिरंगा झंडा लहराकर पटाखे फोड़कर एवं मिठाइयां खिलाकर जमकर जश्न मनाया एवं सभी शहरवासियों को बधाइयां। भाजपाइयों ने कहा कि देश आजादी से लेकर अब तक के बीच में यह सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके बाद से वहां भी भारत का कानून होगा, भारत का झंडा लागू होगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दिनेश गुप्ता के साथ शिवम गुप्ता की रिपोर्ट, अंबिकापुर। भारत सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 खा और 35 आ को विलोपित करने के आज राज्यसभा में प्रेषित प्रस्ताव को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अपना निःशर्त समर्थन देने की घोषणा करती है। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा था और रहेगा। भारत सरकार के इस फैसले से 130 करोड़ भारतवासियों में जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान लागू करने के इस ऐतिहासिक कदम से 72 साल पहले ऐतिहासिक गलती को सुधारने का साहसी एवं सराहनीय कदम लेने के लिए हम भारत सरकार को छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से बधाई देते हैं। अब हर भारतीय भारत के सबसे सुंदर प्रदेश कश्मीर में प्रवेश और बस सकते हैं। साथ ही कश्मीर के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अब अंततः आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार के समस्त 68 विधायकों से अनुरोध करते हैं कि जब प्रदेश के सर्वोच्च पंचायत छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र में उपरोक्त संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी तो प्रदेशवासियों की भावना के अनुरूप अपनी पार्टी लाइन से हटकर उसको अपना खुला समर्थन देंगे। अगर इन किन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उपरोक्त संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं होता है तो ये 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद शर्म की बात होगी, जिसके लिए जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार को वो माफ कभी नहीं कर पाएगी। अब कश्मीर भी देश का अंग बन गया, समान नागरिक के रूप में वहाँ जा सकेंगे, प्रवेश कर सकेंगे, आवश्यकता होगी तो संपत्ति खरीद सकेंगे। देश का सबसे सुंदर इलाका, वहाँ देश के बाहरी इलाके से भी लोग अब जाकर बस सकेंगे, अपना आशियाना घर बना सकेंगे, अपने घर परिवार को वहाँ रख सकेंगे। तो कुल मिलाकर इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मेरी ये मांग है कि जब भी छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी सत्र हो तो हमको अपने अपने दलों की दीवारों से ऊपर उठकर एक प्रस्ताव करना चाहिए केंद्र सरकार का, और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का हमारी विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ निवासियों के साथ धोखा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोग चाहते हैं कि ऐसा धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, साझा। नगर पंचायत इलाके में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को साला परिसर के वट वृक्ष के नीचे बाल कांवरियों का कांवर पूजा कर कांवर यात्रा निकाली गई। इस मौके पर संस्था के सदस्यों के अलावा शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी पूजा कर बोल बम का जय घोष करते कांवर यात्रियों के साथ जल अभिषेक किया। सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा बीते 6 वर्षों से कांवर यात्रा छात्र एवं छात्राओं द्वारा निकाल कर भोले बाबा शिवलिंग पर जल अभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रावण मास सुख शांति समृद्धि की कामना करते। हमारे यहाँ श्रावण महीने के सोमवार को जल अभिषेक कार्यक्रम विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा श्रावण यात्रा के माध्यम से विद्यालय प्रांगण से निकाला जाएगा, और यह कार्यक्रम विगत 6 वर्षों से हम लोग विद्यालय के द्वारा मनाते आ रहे हैं। कक्षा पंचम से अष्टम तक के जो भैया बहन है, लगभग 125 भैया बहन विद्यालय प्रांगण से कंधे में कांवर लेकर के जल सही यहाँ से 7 किलोमीटर दूर लालपुर ग्राम में जो भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे
और यहाँ जो कांवर के जल है उसको भगवान शंकर को अर्पित करके ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ पूजा पाठ करेंगे। तत्पश्चात जो है भैया बहन वहाँ से पद यात्रा करते हुए वापस विद्यालय प्रांगण में आएंगे। इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो संचालन समिति के सम्मान्य अध्यक्ष है डॉक्टर लाला सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर आर एन साहू जी और सचिव श्री राजकुमार देवांगन जी और समिति के समस्त सदस्यगण जो हैं भैया बहनों का तिलक और आरती उतार करके इस यात्रा का प्रारंभ किए हैं और समापन के अवसर पर भी समिति के सभी सदस्य जो हैं भैया बहनों को संवर्धन के लिए रहते हैं और समिति के सदस्यगण जो हैं वो भैया बहनों के साथ पद यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे ऐसा समिति ने निर्णय लिया। विगत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती शिशु मंदिर के भैया बहनों के द्वारा लालपुर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है, तो प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के साथ मिल करके और कांवर यात्रा लेकर के शिशु मंदिर के आचार्य आचार्य बच्चे और समिति के भी सदस्य सबकी सहभागिता के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लालपुर में जा कर के वहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आज रखा गया है और जिसमें सबकी उपस्थिति वांछनीय है और भगवान सबकी मंगल कामना इस रुद्राभिषेक से पूर्ण करे, इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की यात्रा को शुभारंभ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राजनांद गांव जिले डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर है, जहां पर वर्ष में दो बार मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें माता जी के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। मंदिर का संचालन के लिए शहर में निवासरत हिंदू समुदाय के द्वारा मतदान प्रणाली से 15 प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। इस वर्ष सामान्य सभा की बैठक रखी गयी थी जिसमें सदस्यता शुल्क 51,000, 21,000, 5,000 बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे लेकर माहौल गर्म हो गया, पुलिस बल तैनात किया गया। मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार, क्योंकि बैठक में अपने मन मर्जी से प्रस्ताव लाया गया बैठक का संचालन किया जा रहा था। इतने में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बैठक का बहिष्कार करने ही वाले थे तो ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित सत्ता पक्ष के ट्रस्टी बैठक छोड़कर निकल गए। टीम बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा सदस्यता राशि में वृद्धि किए जाने हेतु प्रस्ताव विगत दिनों ट्रस्ट कमेटी में बहुमत से पास किया गया था, जिसका अनुमोदन आज साधारण सभा की बैठक में होना था, जिसमें सालाना आय व्यय प्रस्तुत होने के पश्चात जैसे ही सदस्यता राशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा रखा गया, आम सदस्य आक्रोशित हो गए और उन्होंने जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध करना आरम्भ कर दिया। आम सदस्यों के विरोध को देखते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इसके पश्चात सभा में उपस्थित सदस्यगण नारेबाजी करते रहे। जब विपक्षियों द्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष से इस प्रस्ताव के संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि सर्व समिति से सदस्यता राशि में वृद्धि का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। यह जानते ही उपस्थित सदस्य पुनः आक्रोशित हो गया और वो नारेबाजी करते हुए धरने में बैठ गए। ट्रस्ट है किसी न किसी रूप से सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीयन है, इसके रजिस्ट्रार SDM हो करते थे, अब इसमें शायद कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारी जो है शासकीय कर्मचारी, मैं भी अवकाश लेकर बम्लेश्वरी ट्रस्ट द्वारा मैंने तुरंत यहाँ बताया कि कार्यकारिणी कमेटी की बैठक में जो भी प्रस्ताव पास होता है वो आम सभा में अनुमोदन के लिए आता है। इन्होंने सुना करके अनुमोदन कर दिया और उसके बाद इन्होंने करफा आम सभा को समाप्ति की घोषणा कर दी। इन्होंने जो लाइन लगवाया था यहाँ पर कि अपना अपना पर्ची दो, वह यहाँ के मतदाताओं को अंधेरे में रख करके साइन कराया गया, वही आम सभा में इन्होंने साइन कराया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा चीज़ मेरा ये कहना है कि कार मैं अपने सर्विस याददाश्त में देख रहा हूँ कि बम्लेश्वरी ट्रस्ट में जो कार्यकारिणी के जो 15 सदस्य बनते हैं, इनकी जो पैनल है 2, 15-15 के 30 परिवार के लोग ही कभी आदान प्रदान होते रहते हैं। सेम कश्मीर के 370 धारक था, जो 3 परिवार वहाँ पर शुरू से आखिरी तक के मुख्यमंत्री बने हैं, वैसी है जीवन भर ये आज भी ट्रस्टी बनना चाहते 30 परिवार, कभी 15 आए 15 जाए, और इनके द्वारा जो 500 रुपया को 25,000 किया गया वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि 21 साल पहले इनका कहना है कि हमने जो है सदस्यता समाप्त की थी,
यदि आप उसको सेविंग अकाउंट सॉरी एफडी में 500 रुपया को जमा करते हैं तो 7 वर्ष में डबल होता है, 14 साल में डबल होता है, 21 साल में डबल होता है, वो होता है टोटल 500 रुपया 4000 रुपया होता है। 500 रुपया को 5001 रुपया करते हुए न्याय संगत था ना कि इनके द्वारा जो 25000 किया जानबूझ करके मोनोपोली इनका है कि हमारा जो 30 परिवार है यही हमारे यहाँ के बम्बेश्वरी ट्रस्ट के सदस्य बनते रहे। उसमें मंत्री नॉमिनेट के बारे में लोगों को उम्मीद दिखा के बोलता था तो फिर आपने भी वहाँ उनको कुछ जवाब दिया, एक उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या उनके मर्यादा में आता है? बिल्कुल नहीं, वैसे तो जो आय व्यय का ब्यौरा देने का अधिकार मंत्री को होता ही नहीं है, कोषाध्यक्ष को ही होता है। कोषाध्यक्ष एक कोने में बैठा हुआ था, ये देखने की बात है, सिर्फ देखने के लिए कोषाध्यक्ष है, काम के लिए कुछ नहीं, इसलिए ये सब घटना हुई है। दूसरी बात जो मंत्री द्वारा उंगली उठा के बोलने की बात है वो तो ऐसा सबको तुच्छ समझता है। आज यहाँ अपने काम धाम छोड़ के पहली बार इतनी भारी संख्या में इस प्रस्ताव के विरोध में लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये देख रहे थे कि कब हमको अवसर मिले और हम इस बात को रखें, लेकिन बड़े शर्म के साथ बोलना पड़ रहा है कि अवसर नहीं दिया गया, सीधा बोला गया कि हाथ उठाओ और बोल दो समर्थन है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आजकल रात की बात है, धारा 370 हटा के देश में एकता लाई गई और यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में यहाँ पर देखा गया कि एक 370 लगाने का टाइप का प्रयास किया गया, ये बहुत शर्म की बात है, इसका विरोध हमने किया है। और अध्यक्ष और ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग थे, इनके प्रस्ताव के विरोध में थे, ये स्वामित्व होता है कि यदि सरकार या सत्ता पक्ष का कोई भी विवाद होता है और प्रस्ताव गिरता है तो सरकार गिरी मानी जाती है, तो यदि थोड़ा भी शर्म और लिहाज है, थोड़ा भी नैतिकता है तो इनको अपने पद से तुरंत त्याग देना चाहिए और नए चुनाव की घोषणा करना चाहिए। सभा समाप्ति रह चुके हैं, सभा समाप्ति करने का अधिकार किनको है? कायदे से सभा समाप्ति का अधिकार मेरी जानकारी में, मैं 25-40 साल से यहाँ का सदस्य रहा हूँ, मेरी जानकारी में यही है कि अध्यक्ष की अनुमति से अध्यक्ष खड़े होकर बोलता है कि सभा समाप्ति की घोषणा की जाए, ये बोलना था लेकिन ये मुंह छुपा के खुद अध्यक्ष भाग गए, उसके बाद बोला गया कि सभा समाप्ति हो रही है। यहाँ प्रशासन के अधिकारी बोल रहे थे सभा समाप्त हो गई है, जाओ भैया जाओ, ये क्या बात है? सुविधा यहाँ रखा था कि पर्ची दिखाओ और अंदर आओ और लाइन लगवाया गया, इस बारे में बताया। मतदाता भाई, मैं ये चाहता हूँ, इनका जो बोल रहे थे कि 500 की सदस्यता का 25000 कर रहे हो, ये किस हिसाब से तर्क संगत है? मैंने तो आज तक जो भी अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ, जब ये बोल रहे आज हमारे मंत्री साहब ने घोषणा की कि 21 साल से बंद है सदस्यता, जब 21 साल पहले ये 500 रुपये में सदस्यता बनाए हैं और इन्होंने अपने घर के सदस्यों को बनाए हैं अधिकांश, तो ये और दूसरे लोग के लिए आप बनना चाहते हैं उनके लिए 25000, इन लोगों ने अपने घर वालों को बना लिए 500 रुपए में सिर्फ और उसकी मलाई जिंदगी भर खाना चाहते हैं, क्यों ऐसा? या तो ये भी इनकी भी सदस्यता पूरी की पूरी सदस्यता भंग की जाए, 101 501 और साधारण सदस्य 51 की, और नए सिरे से सिर्फ एक ही विभाग का, एक ही श्रेणी के सारे सदस्य बनाए जाए और चुनाव का आज जैसे सारे मतदाताओं को इकट्ठा किया जिसमें कई लोग सर्विस वाले हैं, उसके बाद यहाँ के अध्यक्ष मीटिंग छोड़ के चला जाता है, इस बारे में बताया। वही चाह रहा हूँ कि अध्यक्ष को कैसे ऐसा अधिकार है, अध्यक्ष को सभा बर्खास्त नहीं कर सकता, सिर्फ मंत्री ही वो घोषणा करता है, मंत्री को करना चाहिए, सचिव को करना चाहिए और सिर्फ एक शब्द आके बोल के कि आज के माहौल को देखते हुए, अरे इससे बड़े बड़े क्या संसद नहीं देखे क्या, भारतीय है ना वो, है संसद में लाते घुसे कुर्सियां फेंक जाती, यहाँ ऐसा क्या हो गया था, किसी को मार दिया गया था या किसी को गाली बकी थी, लेडीजें माता बहने बैठी हुई थी, कोई कोई शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर रहा था कि जो इतना बीच में आके बोल दिया कि सभा बर्खास्त की। आज मैं रेलवे कर्मचारी, मेरी एक दिन की तनख्वाह 2000 रुपया है, मैं उसका छुट्टी लेके आया हूँ मैं अपना नुकसान करके, कि क्यों ही मंगलवार को रखे, कि अधिकांश 80% ट्रस्टी लोग सिर्फ इनके उद्योग धंधे वाले अपने दुकानदारी वाले हैं, अरे मंगलवार आज दुकान बंद रहती है करके इन लोग ने रखे। सरकारी कर्मचारी का अगर थोड़ा सा हित का ध्यान रखता या डोंगर की पब्लिक का ध्यान रखा जाता तो ये निश्चित ही संडे को रखना था। प्रशासन के द्वारा यहाँ व्यवस्था किया गया था, उस बारे में बताएं कि किस उद्देश्य से किया गया था और कहाँ तक सफलता मिली। माँ बर्वेश्वरी ट्रस्ट कमेटी की तरफ से सामान्य सभा बुलाई गई थी और उसमें सत्ता पक्ष के जो लोग थे वो सदस्यता खोलने के लिए एक ग्रेड तय किए हुए थे, अलग अलग ग्रेड के सदस्यों का, उसको वो लोग पास कराना चाहते थे और अपोजिशन में दूसरे पक्ष जो है वो उसको
मतलब ज़्यादा पैसा है करके वो तैयार नहीं था। इस बात को लेकर बहुत सी पब्लिक भी है, जो लीडर्स थे वो भी आए हुए थे और जो पूरी तरीके से विरोध हुआ और इसकी आशंका हमको पूर्व से थी, इस कारण से हम लोगों ने व्यवस्था लगाई थी और सभा में फिर किसी प्रकार उनको निर्णय नहीं हो पाया और नहीं हो पाया। उसके बाद में आप 8 साल पहले भी यहाँ पदस्थ थे, आप अच्छी तरह जानते हैं लोगों से जुड़े हुए, एक धार्मिक स्थल में बड़े पैमाने पुलिस की व्यवस्था करना कहाँ तक उचित? परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग व्यवस्था करते हैं, हमको ऐसा लगा था कि वो परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं जो हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम तैयार हैं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।